हेलो दोस्तों, मैं हूं बुद्धि वार्ता। हमारे चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे वोटर आईडी कैसे डुप्लीकेट मंगा सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। और हमारा वोटर आईडी कभी कभार जो लॉस्ट हो जाता है या टूट जाता है या ख़राब हो जाता है, कभी कभार गुम भी जाता है, तो हम कैसे डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड गवर्नमेंट द्वारा से मंगा सकते हैं, वो भी इंडियन पोस्ट की द्वारा से। तो हम आज सीखेंगे कि कैसे हम ऑनलाइन अप्लाई करके जो भी वोटर आईडी कार्ड डुप्लीकेट हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो इस विषय में हम सीखेंगे। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, और जब भी हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले आप देख पाए। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। ओपन करते ही आपको वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। सर्च बार पे क्लिक करनी है, क्लिक कीजिए। उसके बाद वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। जैसे कि मेरे पास डाउनलोड है, मैं ओपन कर रहा हूँ। ओपन करते ही ऐसा इंटरफेस आएगा, थोड़ी देर वेट कीजिए। वेट करते ही सबसे नीचे आई एग्री पर क्लिक करके नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद सबसे नीचे स्किप लॉगिन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद सबसे नीचे थ्री लाइन है, थ्री लाइन पर क्लिक कीजिए। थ्री लाइन पे क्लिक करते ही इशू ऑफ रिप्लेमेंट इलेक्ट्रोल रोल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, उसमें आप क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। जैसे कंटिन्यू करेंगे उसके बाद आपका स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सब डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको विधानसभा आपको चॉइस करना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे सबसे ऊपर आपका जो भी वोटर आईडी पे नाम था वो आप को सही सही भर दीजिए। जैसे कि इंग्लिश से भरने से बाद उसको नीचे टैप करेंगे। जैसे टैप करेंगे ऑटोमेटिक आपका जो लोकल लैंग्वेज है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा। अगर आपको लोकल लैंग्वेज मिसमैच है तो आपको कीबोर्ड से आप सही कर सकते हैं। उसके बाद सरनेम लिख दीजिए। जैसे कि मैंने सरनेम लिख दिया, सरनेम लिख दिए, नीचे टैप कीजिएगा। नीचे टैप करते ही आपको सरनेम भी आपका लोकल लैंग्वेज में आएगा। अगर आपको लोकल लैंग्वेज में भी मिसमैच है तो आपको कीबोर्ड से सही कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कीजिएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी था आपको वोटर आईडी पे वो आपको सिलेक्ट करना है। ईमेल आईडी भर दीजिए। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर भरना है। जैसे कि मैं मोबाइल नंबर भर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको एपिक नंबर भरना है, जो वोटर कार्ड का एपिक नंबर होता है। आपको वोटर का तो एपिक नंबर भरना है, जैसे कि मैं भर रहा हूँ। उसके बाद आपको मेल फीमेल सिलेक्ट करना है कि मैं मेल ही हूँ। उसके बाद आप जो भी है आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे टिक कीजिए। टिक करते आपको नेक्स्ट कीजिए। जैसे नेक्स्ट करेंगे उसके बाद हाउस नंबर भरना है, जो भी आपका घर नंबर है वो भर दीजिए। उसके बाद नीचे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद एरिया लोकेलिटी जो भी है तो आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपको नीचे टैप कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपको मिसमैच लग रहा है तो आपको इसको सही कर सकते हैं। उसके बाद विलेज टाउन, जो भी आपका गांव या टाउन का नाम, जैसे कि मैं लिख दे रहा हूँ। उसके बाद आपका जो भी नीचे क्लिक कीजिएगा, नीचे टैप करते हैं आपके पास लोकल लैंग्वेज में आ जाएगा। अगर आपको लोकल लैंग्वेज में भी मिसमैच है तो आपको सही करना है। उसके बाद सबसे नीचे आपको पुलिस स्टेशन नाम डालना है, जैसे कि पुलिस स्टेशन का आपको नाम डालना है। उसके बाद आपको नीचे टैप करना है, ऑटोमेटिक आपको डिटेक्ट कर लेगा। आप भी सही सही डाल दीजिए। उसके बाद आपका पिन कोड डाल दीजिए।
उसके बाद आपको नेक्स्ट कीजिए। जैसे उसके बाद आपको जो भी नेम ऑफ रिलेटिव, जो भी आपका पिताजी का नाम है या आपका हस्बैंड का नाम है, एक्चुअली जो भी है, फर्स्ट नेम आपको ऊपर से इंग्लिश से टाइप कर देना है। उसके बाद नीचे टैप करते आपको आपका लोकल लैंग्वेज में आ जाएगा, और लोकल लैंग्वेज में आपको कुछ मिसमैच है तो कीबोर्ड से सही कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट नेम है, जैसे लास्ट नेम आप इंग्लिश से टाइप करेंगे, उसके बाद नीचे जैसे टैप कर देंगे, नीचे टैप करेंगे आपका लोकल लैंग्वेज शो हो जाएगा। लोकल लैंग्वेज में कुछ मिसमैच है तो आप कीबोर्ड से सही कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, जैसे नेक्स्ट करते ही आपको दूसरे विंडो पे लेके जाएगा। सबसे ऊपर लिखना है कि आप ये कार्ड किस लिए मंगा रहे हैं। तो मेरा तो गुम चुका है, मैंने उस लिए लॉस्ट लिखूँगा। आप जिस भी कारण से मंगा रहे हैं वो कारण आप लिख दीजिएगा। जब भी आपका वोटर आईडी कार्ड बनके तैयार हो जाएगा वेरीफाई करके, तो आपको घर में किसे प्राप्त करेंगे, तो इस में तीन ऑप्शन में एक ऑप्शन चॉइस कर सकते हैं आप। जैसे कि एक नंबर है CSC सेंटर में आप प्राप्त कर सकते हैं, दो स्पीड पोस्ट द्वारा आपको भेज दिया जाएगा इंडिया पोस्ट द्वारा, और तीन नंबर है आपको BLO द्वारा आप प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे आपको चॉइस करना है। मैं बेस्ट ऑप्शन बताऊंगा आपको, वो है जो सबसे बेस्ट ऑप्शन दो नंबर, आई विश टू रिसीव माई एपिक बाई पोस्ट सेल्फ एड्रेस। इस पर आप सिलेक्ट कीजिएगा, सिलेक्ट करते हैं उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा। जैसे नेक्स्ट करेंगे सबसे ऊपर आपको एक बार टिक करना है, टिक भर के जहाँ से भी अभी आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ पे आपका नाम लिख दिए, प्लेस में नाम लिख दीजिए। उसके बाद डन पे क्लिक करते ही आपका आपका फॉर्म एक बार रिव्यू पे आपको दिखाए जाएंगे। जैसे कि आपको एक बार रिव्यू देखिए, ताकि जो जो आपने भरा है एक बार देखिए। उसके बाद आपको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही आपके पास एक रेफरेंस आईडी नंबर दिया जाएगा, वो रेफरेंस आईडी नंबर आपको संभाल के रखना है। कभी भी इस ये डुप्लीकेट जो आईडी वोटर आईडी कार्ड जो मंगाया है, इस विषय की जानकारी पूरे उस ट्रैकिंग नंबर पे आपको ट्रैक करने के लिए मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।